सब भाई हमारे जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये लोग कौन बैठे हैं शासन में, कौन है, चाहे वो केंद्र में भाजपा का सरकार हो चाहे राज्य में कांग्रेस की सरकार, ये कौन है, शासन है। किसके ऊपर शासन कर रहे हैं? हमारे ऊपर, जनता के ऊपर शासन कर रहे हैं। शासन कैसे करते हैं? जनता की पैसे से शासन कर रहे हैं। हम पैसा देते हैं, ये चीज हम शासन वो कर रहे हैं। तो जनता की जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं तो पैसा खर्च करना चाहिए जनता के ऊपर, खर्च करना चाहिए कि नहीं? हमारे जंगल से, हमारे गांव से हमको बेदखल करने वाले लकड़ी को बेच के यूज कर रहे हैं। हमारा मुंह बंद होने के कारण उन लोग खड़े होते हैं। अब क्यों बंद होता है हमारा मुंह? हम तो जिसको जनप्रतिनिधि अधिकारी के थोपो हमारा जनप्रतिनिधि अधिकारी के थोपो बस। जब सरकार में बैठा है, शासन में बैठा है, तो उसका प्रतिनिधित्व किसका करना चाहिए? जनता का। जनता का लोकतंत्र भर गए हैं, मतलब बड़ा ऑप्शन बचा है। क्या मतलब होता है जानते हो? जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चुना जाता है। जनप्रतिनिधि होता है क्या? कौन सा जनता के लिए करते हैं? वो तो सब अपने लिए कर रहे हैं ना, हमारे लिए कर रहे हैं क्या? आज हमारे लिए करते तो हमको रोड में बैठना पड़ता नहीं पड़ता? तो सबसे पहले क्या करना है जनता को? अगर हमको जनप्रतिनिधि को बदलना है तो सब समुदाय को एकजुट होना पड़ेगा। हम सब लोग बिखरे हैं, कोई इस पार्टी में है, कोई उस पार्टी में है, कोई उस पार्टी में है। हमको किसने तोड़ा है? इन पार्टियों ने। पार्टियों ने तोड़ा। किसने तोड़ा है हमको? पार्टियों ने। तो सबसे पहले यहाँ पार्टी खत्म होना चाहिए कि नहीं? जिस दिन पार्टी खत्म होगा तब उस दिन जनता का राज आएगा। और जनता का पार्टी कौन खत्म करेगा? हम जनता खत्म करेंगे तो तभी पार्टी खत्म होगा, नहीं तो ये लोग हमारे ऊपर तोड़ तोड़ के राज करेंगे। सही बात। आरक्षण का सवाल ही नहीं उठता, अधिकार है, क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उतनी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी अधिकार हो। जनसंख्या के आधार से हमारा राज्य 32% है आदिवासी।